जी हाँ, आपने सही सुना है, आप न्यूजीलैंड में 2 दिन मूव हो जाओगे। इसके लिए वीजा कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर डायरेक्ट कंपनीज आपको हायर करेंगी और वो ही आपका वीजा फीस पे करेंगे। अगर आपने 700 न्यूजीलैंड डॉलर पे भी कर दिए तो गवर्नमेंट आपको जाते एयरपोर्ट वो फीस वापस कर देगी। और इसके लिए ना आपको इंग्लिश टेस्ट चाहिए। 60 साल 65 ईयर ओल्ड अंकल आंटी भी अप्लाई कर सकते हैं और 5 फेल लड़का भी अप्लाई कर सकता है और इवन की फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। पर ये कौन कौन सी स्किल की डिमांड, इस पर डिस्कस करेंगे आज। पर इसके लिए आज आपको मेरा वीडियो स्किप नहीं करना है। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी का दिल से स्वागत है। आज छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ आपकी हाई डिमांड पर। बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पर देखा मेरी आईडी गैरी की, 7 लोग को मिल गया रिकवरी वीजा और उन्होंने बोला कि गैरी सर एक वीडियो अपने बताई कौन कौन सी स्किल में मेरे बच्चों को वीजा मिला ताकि आप लोग अप्लाई कर सकें। जी ये 7 लड़के वो लड़के हैं जिन्होंने मेरे CV मात्र 3600 रुपये बनवाया था और इन्होंने 1 महीने के लिए बनाया था। और इवन कि मैं आपको छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा, इससे पहले आप कहीं मत जाइए प्लीज गाइस। आपको बताना चाहूंगा मेरी टिकट खुद 6 लाख की हुई है। लोगों ने 2004 में मुझे भी लड़की का टाइटल दिया था, तब ये गे टाइटल्स नहीं होते थे, तब लड़की का टाइटल की लड़की जैसा है। पर अगर मैंने अपनी मेहनत से ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो गाइस आप लोग भी आगे आ सकते हैं। जैसे लड़के का क्लिप दिखाऊंगा, लाखों रुपया अपना खर्च कर, डिफरेंट करेंसीज खर्च कर, आप खुद देख सकते हैं मैं जाता हूं। अगर आप लोग अप्लाई नहीं करोगे तो पैसा भी मेरा किसी काम का नहीं आएगा। तो प्रॉमिस करो जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप सी मुझसे मत बनाओ। लेकिन लोगों को मैंने भी गलत प्रूफ किया, आप भी गलत प्रूफ कर सकते हैं, जैसे इस लड़के ने गलत प्रूफ किया है। जो लोग इसको बोलते हैं गैरी के वीडियो देखकर या किसी और भी यूट्यूबर के वीडियो देखकर आप बाहर बगैर एजेंट के नहीं जाते, और ये लड़का मात्र 3600 रुपए में बाहर बैठा और इसने सीम उससे बनवाया था। जो आज का वीडियो है आपको मोटिवेट करने के लिए छोटा क्लिप दिखाऊं, आप में से एक लड़का उठकर आज न्यूजीलैंड बैठा हुआ लाखों कमा रहा है। माय नेम इज रजत, आई एम फ्रॉम पंजाब इंडिया। सो यस्टरडे आई रीच्ड इन न्यूजीलैंड एज अ वर्क वीजा। सो थैंक्स फॉर गैरी सर फॉर योर सपोर्टिंग एंड CV कवर लेटर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गैरी सर। जैसा कि आपने देखा इस इंटरव्यू में, आपने मेरी स्टोरी से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उनका मजाक खुद का बन गया बिकॉज मेरे 5 UK में घर और मैं 65 कंट्री न्यूजीलैंड जा रहा हूँ और लोग मुझे रोक रोक कर 5-5 लेकर कैरी काउंसलिंग देते और इवन के DC भी मेरे घर पर आ चुका है। तो गाइज जो आज का वीजा है उसको रिकवरी वीजा बोलते हैं, जैसा कि आपको दिखाया भी जा रहा है, साइक्लोन न्यूजीलैंड में आया था जिसके कारण बहुत सारी तबाही हो चुकी थी। तबाही से घर में पानी आ गया था, पानी आने जो घर के फर्नीचर थे वो सारे खराब हो गए थे और किचन वगैरह टूट चुकी थी। अब जो गवर्नमेंट है वो यही चाहती है यहाँ पर हैजा ऐसी बीमारी फैले, तो उन्होंने अब जो यहाँ के रेजिडेंट लोग उनको सपोर्ट करने के लिए उनको बेनिफिट्स देने शुरू किए हैं। पर सपोर्ट तब भी होगी जब आप फर्नीचर को बाहर निकालोगे, फर्नीचर को उठाकर आप डिस्पोज करोगे। इसके लिए सबसे बड़ी स्किल का नाम है सीवरेज स्किल और क्लीनर्स। अगर आप क्लीनर से, हाउस कीपिंग से हो, आपकी चांदी, आप सीवरेज से हो, आप सोशल वर्कर हो, आप केयर टेकर हो, आपकी सफाई करने में और लोगों की लुक आफ्टर करने में आपको सबसे ज्यादा वीजा मिलेगा। और जो मेरा वीजा मिला है वो क्लीनर का मिला है मेरे एक दोस्त को, और उसके पास 1 साल का का एक्सपीरियंस था, वो आज न्यूजीलैंड बैठा हुआ है। सेकंडली जहां पर जिसकी डिमांड है वो कंस्ट्रक्शन में है, मेरे जो प्लास्टर्स लगाते हैं, जो हमारे घर सीमेंट लगाते हैं, वो लड़के को मिला है। और वो लड़का अभी बठिंडा शहर से, और वो सिर्फ 21 साल का है और 8 फेल है। वो लड़के के पास एक्सपीरियंस था 2 साल का, पर उसकी एक अच्छी बात थी, वो गरीबी कारण प्लस टू के बाद नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसकी इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से थी एंड ही टैकल इंटरव्यू बाय इंग्लिश। तो आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप इंटरव्यू कैसे क्लियर करोगे। मैं आपका CV बनवा दूंगा, उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पर आ जाओगे, आपको इंटरव्यू 10-12 आ जाएंगे मेरे CV से। पर एंड ऑफ द डे बुरा मत मानना, आपको बेसिक इंटरव्यू क्लियर करनी पड़े। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, मैं आपको एक मंत्र देता, आप एक छोटे वीडियो बना, रील्स बनाते ना, ऐसे किसी घर में जाकर प्लस्तर दिखा दो और वो आप इंटरव्यू देने से पहले आप जो आपको जब मेल इन्विटेशन आएगा आप वो क्लिप भेज सकते हो, ताकि उनके दिमाग में पहले बैठ जाएगा ये लड़के को काम आता है, समझे। जो लोग बहुत अंगूठा छाप है, अगर आप कहीं काम करें अपने दोस्त को लोग आप क्लिप बना दे, रील बना दे, 30 सेकंड ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा, तो वो फाइल बढ़ेगी, लोग देखेंगे नहीं और अटैच नहीं हो पाएगी, तो 30 सेकंड क्लिप बना ताकि आप इंग्लिश को भी ख़त्म कर सके। तो अगली क्या स्किल की ऐसी डिमांड है, कंस्ट्रक्शन की, ब्रिकलेयर की, और 7 डेज में आ जाता है। इसके लिए क्या होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपका एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट करता है, उसके लिए वो फॉर्म भरता है जो IN Z 1377 होता है। वो फॉर्म अप्रूवल होने के बाद आपका एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट देता है और आप दिल्ली जाकर अपने बाकी डॉक्यूमेंट, वीजा जैसे होटल हो गया, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, करेक्टर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो सब लगाकर आपको वीजा मिलता है। पर आप और गवर्नमेंट बोलती है कि आप 2 दिन में आ जाओगे और आपकी जो वीजा फीस है वो गवर्नमेंट, पर ये टेम्पररी है, 6 to 12 मंथ, डिपेंड करता है आपकी कहाँ पर डिमांड है। तो गाइज ये वीजा खुला ही
उनके लिए, साइक्लोन के लिए, और ये फरवरी मार्च में खुला है और ये अभी चलेगा अगस्त तक, उसका बंद हो जाएगा। तो जो लोग मेरा वीडियो चाहते हैं मुझसे बात कर सकते, 1000 रुपये देकर आप देख सकते हैं किस स्किल की डिमांड है। आई एम ओनली वन कॉल अवे ऑन माई व्हाट्सअप ग्रुप। अब नंबर 3 पर जो है किचन हेल्पर, किचन असिस्टेंट की डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, लोग सड़कों पर हैं, बहुत साइलम सीकर्स लोग आए हुए हैं और उनको खाना बनाने किचन हेल्पर, किचन असिस्टेंट की चाहिए। अगर आप शेफ हो, वेटर वेटरेस हो, आप हॉस्पिटैलिटी में हो, आप सिविल इंजीनियर भी हो, आप साइट इंजीनियर भी हो, आप कुछ भी हो, कंस्ट्रक्शन से हो, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, प्लानिंग से हो, ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, आपकी बहुत डिमांड है। और मेरा एक जो लड़का है वो केरला से साइट सुपरवाइजर की जॉब ले गया है और उसका पैकेज 3 से 4 लाख पर मंथ है और बहुत ही खुश है, वो यहाँ 30,000 कमाता था। अगर वो केरला से जा सकता इंडिया से तो आप लोगों को क्या हो गया है। तो इसके अलावा जो स्किल की डिमांड है 3, क्योंकि इसके सिक्योरिटी गार्ड की बहुत डिमांड है, क्योंकि जब साइट बनेगी उसको सिक्योर करना है। अगर आप कोई भी लाइसेंस है सिक्योरिटी गार्ड का, आप ये जॉब आराम से अप्लाई कर सकते, इवन कि आप हॉस्पिटैलिटी तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग से हैं, रियल एस्टेट से हैं, तब भी आपके बिकॉज यहाँ पर जो नए नए घर बन रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ पर सेव किया जाए। बाकी डॉक्टर नर्सिस इनकी ये एवरग्रीन है, जो आपके केयर टेकर, अगर आप केयर टेकर एक्सपीरियंस बना लेते हो कि इंडिया 6 मंथ 12 मंथ का, तो आपको तो घर बैठे वीज़ा मिल जाएगा। और 2 लड़कियों को वीज़ा केयर टेकर मिला है और उसमें से एक लड़की नैनी थी सिंगापुर में। जो लोग सिंगापुर के लड़के लड़के वीडियो देख रहे हैं, सिंगापुर में कुछ भी नहीं है, मैंने खुद देखा और मैं खुद भी जा रहा हूँ, टिकट 6 लाख की खर्च के, न्यूजीलैंड जा रहा हूँ 7 मई को। अगर कोई लड़का न्यूजीलैंड में है प्लीज़ आगे आए, बताए कौन से एरिया में अपना घर बुक करूँ, होटल बुक करूँ, ताकि वहाँ पर जाकर आप से लड़कों को इंटरव्यू ले सकूँ। और इवन कि सिंगापुर भी जा रहा, कोई लड़का सिंगापुर में वो भी मुझसे बात कर सकता है। तो गाइज अपना पैसा करके जा रहा हूँ, बस यही था छोटा सा वीडियो, जहाँ पर आपको वीज़ा फीस 0 पे करनी, $700 गवर्नमेंट देगी और 2 दिन में आप वहां पर जाकर कवरीजा में काम कर सकते हैं। और ये 6 to 12 months होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड का आ गया तो आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए कहीं भी जा सकते हैं। बट ऑन द मीन टाइम गाइस, आप जहां रहे सदा खुश रहें।